नमस्कार दोस्तों, तो टर्म है हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग टर्म जो है बड़ी फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? तो दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग दोस्तों लॉन्ड्री क्या होती है? लॉन्ड्री एक ऐसी सर्विसेज होती है जहाँ पर कपड़ा आता है, गंदा कपड़ा आता है, उसको धोके साफ किया जाता है। सेम वही तरीका है दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग में वो मनी आती है जो गंदी होती है, यानी कि वो ब्लैक मनी आती है जिसको कि धोकर साफ कर दिया जाता है और वाइट मनी के तौर पर मार्केट में छोड़ दिया जाता है ताकि उसका यूज़ किया जा सके, उसको लीगली यूज़ किया जा सके और उसका बेनिफिट लिया जा सके। तो दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग जो है, इस पर एक एक्ट जो है इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था, 2003 एक्ट जो था मनी लॉन्ड्रिंग, जिसकी कि सेक्शन 3 के अंडर जो मनी लॉन्ड्रिंग दोस्तों वो डिफाइन की गई थी, जिसमें ये कहा गया था दोस्तों कि कोई भी जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली या किसी भी रूप से कुछ ऐसे क्राइम के साथ इन्वॉल्व हुआ है जिससे कि इलीगली मनी जनरेट की जाती है और उसको इस तरह से मार्केट में लाया जाता है जैसे कि वो मनी बिल्कुल साफ हो, यानी कि वाइट मनी हो, उसको जो ऑफेंस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों इसमें, जो ब्लैक मनी होती है उसको इस तरह से इंस्टीट्यूशन से गुजारा जाए या इस तरह से उसको कन्वर्ट किया जाए कि वो बिल्कुल वाइट मनी हो जाए और उसका जो ओरिजिन है यानी कि वो कहाँ से आई है वो ब्लैक मनी, वो पता ना चले। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग में जितना भी पैसा होता है वो बड़ी ऑब्वियसली बात है वो क्राइम से रिलेटेड पैसा होता है दोस्तों, और ये पैसा जो होता है इसको आप शो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लिया जाता है। पनिशमेंट जो है दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2003 के जो सेक्शन 4 है उसके अंडर दी गई है दोस्तों। इसमें आपको जो है कम से कम 3 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की हो सकती है या फिर 10 साल की हो सकती है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में। इसके साथ ही दोस्तों आपको फाइन भी जो है वो किया जा सकता है सेक्शन 4 के अंडर।